पंजाब के दरियाओं से गैर कानूनी तौर पर रेत के नाम पर सोना निकाले जाने का इंकशाफ। नैब ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। दरिया सिंध, जेहलम और मंगला से भारी क्रेनों के जरिए रेत निकाली जाती है। तफसीलात क्या है आगाह करेंगे गौहर अली, हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर अली बताइएगा ये मामला क्या है। बिल्कुल ऐसी है, पंजाब के जो अभी जखायर है वहाँ से जो रेत निकाली जा रही है असल में उसमें सोना है। और इस हवाले से जो जूनियर एसोसिएशन है उन्होंने एक दरखास्त चेयरमैन नैब को दी है जिस पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। यानी कि सोना जो है उसको छुपाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम रेत निकाल रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर रेत निकाली जा रही है। असल में ये रियासी वसाइल होती है जिसकी बाकायदा पहली जरूरी होती है और उसने जो खत लिखा गया है उसमें ये भी कहा गया है कि रेत निकालने की भी इजाजत ली गई और 500 से ज्यादा जो मुख्य मशीनें हैं वो रेत निकालनी और रेत के अंदर जो सोना है फिर सोना और रेत को मुख्य फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है जहाँ से सोना अलग कर लिया जाता है और रेत अलग कर ली जाती है। ये बहुत बड़ा एक सामने आया है मामला, इसकी तहकीकात मामला अब सामने आया है। इस तहकीकात के हवाले से कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।